गीत गीत सुनो, गीत रुक जाओ एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो ना क्या कह रहा हूँ, अरे तुम मानती क्यों नहीं हो, रुक। अरे वेद, ये कौन है? घर में कोई नई काम वाली आई है क्या? ए, भरानी। हाँ? क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, मैं जो भी खाती हूँ मेरी हर एक डाइट बहुत अच्छी तरह से बनाकर देनी होगी। अरे घबराओ नहीं, मैं एक डाइट चार्ट बना दूंगी। देखो, सुबह सुबह मैं ओट्स खाती हूँ, ओट्स के बाद दलिया और फिर ग्रीन टी पीती हूँ जो कि बहुत जरूरी है, और अपने लिए मैं एक लेमन ड्रिंक बनाती हूँ जो मैं आपको सिखा दूंगी, घबराओ नहीं। ये सब क्या बोलती जा रही हूँ, मैं काम वाली दिखती हूँ? भौरानी, भौरानी तुमसे ना गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? अरे यही तो है हमारी बुआ जी। बुआ दादी है? आप ही बुआ दादी हैं। हेलो, ये क्या बोल रही है, हिलने को क्यों बोल रही है? अरे हिलो नहीं, हेलो बुआ जी, हेलो। क्या करूं? मतलब के हैंडशेक, हैंडशेक कीजिए। क्या करूं? हैंडशेक कीजिए। हांडी शेक? हांडी शेक नहीं, हैंडशेक। अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाइए, कम ऑन बेबी। बेबी? बुआ जी को बेबी बोल रही है? ए, ये कौन है? असभ्य कहीं की, संस्कार वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। और ये कैसे कपड़े पहने, कैसे घूम रही है? और ये लड़की क्या नई बहू की तरफ से है? नई बहू मैं ही हूँ। क्या? हाँ, मैं ही हूँ गीत राय, डॉटर ऑफ मिस्टर केदार राय एंड मिसेज अनुराधा राय, एंड वाइफ ऑफ मिस्टर वेद से। ए, अंग्रेजी में क्या किटपिट कर रही हो, क्या बोल रही हो तुम? और ये कैसे कपड़े पहने हैं? अरे तुम लोग कहाँ से उठा कर लाए हो इसे? मैं बताती हूँ, मुझे ये लोग मेरे घर से लेकर आए हैं। आपका ये पोता कितने साल मेरे पीछे घूमा लट्टू बनकर। लट्टू? उससे तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। लट्टू कहाँ से लाया तू? मतलब कि ये मेरे आगे पीछे गोल गोल घूमा है, फिर मेरे पीछे लट्टू होके फाइनली वेद ने मुझे प्रपोज कर दिया। समझ में आया प्यारी बुआ दादी? ए, 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 चिपको मत, दूर हटो। छी 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 छी, चोलिया चोलिया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, चोलिया ना दूषित कर दिया। अरे 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 अरे, ये कैसे बात कर रही हैं आप? आप ऐसे बात नहीं कर सकती मुझसे, अच्छे से बात कीजिए आप मुझसे, समझिए आप। छोड़ो, जो मन में आए कीजिए। वेद, तुम चलो मेरे साथ, कहीं चलते हैं, चलो ना। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम रेडी हो ना वेद? गीत, मेरी बात सुनो। जाओगे या नहीं बताओ? अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बताती हूँ, बात ये है पापा, हम दोनों जरा डिस्क जा रहे हैं। जाकर आज जी भर के नाचेंगे, खूब मस्ती करेंगे, सालसा करेंगे, हिप हॉप करेंगे, बहुत डांस करेंगे। मालसा? अरे बोरानी, तुम्हें क्या कर रही हो? बुआ दादी के सामने ये कैसे नाम ले रही हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? हिप हिप बोल रही हो? ताऊ जी, ये मानसा नहीं है ताऊ जी, डांस का नाम है सालसा। सालसा आप नहीं समझेंगे, रहने दीजिए। वेद, चलो मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज चलो 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 चलो। बाय गाइस, एंजॉय, हैव फन।
कौन है ये? कहां से ब्याह कर लाए हो इसे? बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, अब आप ही इसका कोई उपाय निकालिए। तुम चिंता मत करो, पहले मुझे सारी कहानी बताओ, उसके बाद इस नई दुल्हन को कैसे रास्ते पर लाया जाए मैं अच्छे से जानती हूँ। बुआ जी, आप तो सोच भी नहीं सकती कि उसने क्या क्या कारनामे किए हैं। ऐसा क्या किया? हाँ तो सुनिए बहुरानी, इसमें अपने पैर रखो। अरे नहीं नहीं नहीं, हिल्स हिल्स के साथ नहीं, पैर पैर रखना। ये क्या क्या है ये सब? रात को मैं यही तो पीती हूँ माँ। ऐसी बात है, ऐसी असभ्य बेशरम लड़की है। चिंता मत करो बहू, मैं भी उसे डंडे की तरह सीधा करूंगी। ऐसा ना हुआ तो मैं भी वेद की बुआ दादी नहीं। आर्या, आर्या मेरी बात सुनो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम जो चाहती हो पॉसिबल नहीं है, संगीत शादीशुदा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? सोचो, बोलो तुम जमुना के साथ क्या करोगी, बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, किसी कीमत पर नहीं। आर्या, आर्या प्लीज तुम मेरी तरफ देखो, तुम गलत कर रही हो। आर्या तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बताओ आखिर क्या करने वाली हो? आर्या बहुरानी, वो पागल हो गई है, और देर मत करो, इसके पापा को सब बताओ। जाइए बता दीजिए, आप लोग मेरे पापा को जाइए बता दीजिए, लेकिन जमुना नहीं बचेगी, आज जमुना को मरना होगा। आर्या मेरी बात सुनो, देखो दिमाग ठंडा रखो, शांति से सुनो, मुझे ठीक से बताओ तुम क्या करने वाली हो। आर्या नहीं आएगी, जमुना इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। रास्ते में, घाट पर, शहर में, गांव में, हर जगह बस लड़कियों पर अत्याचार होता है। और बहुत बुरी बात तो ये है कि एक औरत ही दूसरी औरत को बर्बाद करना चाहती है। तुम लोगों को आर्या ने भेजा है ना? बोलो, आर्या चौधरी ने भेजा है ना? क्या हुआ गजा? जीजा जी, बहुत सारे गुंडे तलवार लेकर जमुना दीदी को मारने आए हैं। दामाद जी, दामाद जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे। मैं जाके देखता हूँ। Thank you.
कटार खड़क तलवार ये सब उठाने का हक पुरुष को नहीं है। पुराणों में नहीं पढ़ा, वो सब स्त्री धारण करती हैं, कभी काली के रूप में तो कभी दुर्गा के रूप में और कभी जगत जननी के रूप में। एए! चलो जमुना घर चलते हैं, चलो। जमुना, जमुना तुम ठीक तो हो ना? माँ माँ जमुना को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, आप चलिए, चलो गजू, चलो। आ गई खुशखबरी, आ गई। हेलो, मैं नहीं मरी आर्या, मैं जिंदा हूँ, अब तक जिंदा हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। किसका फोन नहीं हो सकता? किसने फोन किया है आर्या? मुझे फोन दो, मैं बात करूंगी। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ वहाँ? बताइए कौन है आप, कौन बोल रहा है प्लीज बताइए। जमुना। जमुना जमुना, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं यार? या, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ आप परेशान मत होइए, जिसके साथ आपके बेटे जैसा पति हो उसे उसे कुछ हो ही नहीं सकता। माँ मुझे तो यम भी नहीं छू सकते। तुम ठीक तो हो ना जमुना? तुम सच सच बताओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आना है तुम्हारे पास, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। आ जाइए माँ, जल्दी आ जाइए, सबको लेकर यहाँ आ जाइए। सबको लाती हूँ मैं, बस जल्दी आ रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, मैं बस निकल रही हूँ। माँ माँ माँ, हमारी जमुना ठीक है माँ? जमुना को कुछ भी नहीं हुआ माँ? जमुना ठीक है माँ, चलिए हम सब मिलकर जमुना के पास चलते हैं माँ, चलिए। हाँ मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। चलिए माँ चलिए। मैं कामिनी और संजय को कहकर जा रही हूँ, कल के बाद तुम्हारी शक्ल इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। राज बिहारी बाबू को भी कहकर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, जिंदगी भर के लिए बंद हो गए हैं। आइए माँ चलिए। जमुना तुम बच गई, तुम फिर से बच गई जमुना। जमुना तुम कैसे बच गई? तुम क्यों बच गई जमुना? तुम क्यों बच गई जमुना? तुम क्यों बच गई? क्यों बच गई? क्यों बच गई? क्यों बच गई जमुना? क्यों बच गई? मेरे हिसाब से पापा और चाचा जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो जमुना? आज इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया और तुम कह रही हो कि उन्हें कुछ भी ना बताएं? नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। पापा और चाचा जी को पता चलते ही वो दोनों परेशान हो जाएंगे, उनकी खुशियाँ मिट्टी में मिल जाएंगी। कितनी खुशी खुशी यहाँ आए हैं, यहाँ रहने के लिए। और फिर अब दादी माँ और माँ भी तो आने वाली है,
उन लोगों को तो वैसे भी सब कुछ पता है, फिर पुलिस का झंझट होगा। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि सब कुछ जानने के बाद पापा और चाचा जी पुलिस से तफ्तीश करवाएंगे। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है जमुना, होना भी तो यही चाहिए ना। तुम्हें अंदाजा भी है कि आज क्या हो सकता था? वो तुम्हें मुझसे दूर करने की जी जान से कोशिश कर रही है, तुम्हें खत्म करना चाहती है वो। जमुना, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगा, और ये बात वो समझ नहीं रही है। तुम हो तभी तो मैं हूँ, तुम्हारे प्यार की वजह से ही मैं जिंदा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इतनी सी बात वो समझ ही नहीं पा रही है। जमुना, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, मेरा प्यार इस दुनिया में बस तुम्हारे लिए है। और अगर ये बात वो समझती तो ये सब थोड़ी करती। वो क्या सोच रही है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा के वो मुझे पालेगी? तुम्हें कुछ हो जाने का मतलब है मैं भी उसी पल खत्म हो जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल मत कीजिए। मरने की बात आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। वो सभी गुंडे लोग राक्षसों जैसे दिखाई दे रहे थे जो जमुना दीदी को मारने आए थे। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, आप डरिए मत। अब गजा, डर लग रहा है क्या? अरे बाबा, मैं हूं ना, तुम्हारी दीदी की रक्षा मैं करूंगा। हाँ, आर्या बोल रही हूँ। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा फोन आएगा। आर्या, तुम मेरी एक बात समझ लो, जबरन इस तरह किसी का प्यार नहीं पाया जा सकता। आर्या, मैं जमुना से बहुत प्यार करता हूँ, और ये बात तुम सबको पता भी है। फिर भी तुम जिस तरह के क्राइम्स कर रही हो, उसकी वजह से अब मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता होने लगी है। मेरे फ्यूचर के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने फ्यूचर के बारे में मैं खुद सोच लूंगी। तुम बस इस जमुना के फ्यूचर के बारे में सोचो। इस बार बचा लिया, हाँ, पर कितनी बार बचाओगे तुम? और कब तक साथ रहोगे तुम उसके? हाँ, तुम ये बात जानते हो या नहीं पता नहीं संगीत, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे घर पर हूँ। सोच रहे हो कैसे? बड़ी बुआ और रंजना की गेस्ट बन के। मैं तो तुम्हारे बेडरूम में भी गई थी, जमुना के बेडरूम में। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। इस वक्त मेरे बदन पर जमुना की साड़ी और हाथ में जमुना की अलमारी की चाबी है। पता है, मुझे ना बिल्कुल तुम्हारी बीवी वाली फीलिंग आ रही है। इसके बाद मैं तैयार होऊंगी, सज धज के सिंदूर लगाऊंगी और सुहागन बनूंगी, तुम्हारी सुहागन। मैंने बहुत सपने देखे इसके, पता है तुम्हें? जिस दिन इस घर में पहली बार आई थी ना, सभी ने कितने प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया था, कितने खुश थे, कितने एक्साइटेड थे, और सभी ने आशीर्वाद भी दिया था। इतना होने के बाद भी तुम मेरे पास आधे अधूरे रह गए संगीत, और ये मैं मान नहीं सकती, किसी भी कीमत पर नहीं मान सकती मैं ये। मैं तुम्हारे ही कमरे में, तुम्हारे ही घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम आओगे। हाँ, तुम उस जमुना के बिना आओगे। आई लव यू संगीत, आई लव यू सो मच। हेलो 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 आर्या, क्या कह रही थी? आर्या, बड़ी बुआ और रंजना की गेस्ट बनकर हमारे घर में घुस आई है, यहाँ तक कि वो हमारे बेडरूम में भी गई थी। क्या 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 कह रहे हैं दामाद जी? हाँ हाँ, और कह रहे थे कि उसने तुम्हारी साड़ी गहने सब पहन रखा है, और वो ये भी कह रहे थे कि माँ ने जो घर की चाबियां तुम्हें संभालने को दी थी, वो चाबियां उसके पास है। उसकी इतनी हिम्मत, कितनी बेशरम लड़की है। जमुना, मैं फिर से कह रही हूँ, तू घर चली जा, घर चली जा बेटा। नहीं माँ, मैं वहां नहीं जा सकती। मेरी हालत ना अभी उस पेड़ जैसी है जिस पर आरी चल रही है।
पेड़ आरी पर गिरे या आरी पेड़ पर, कटना तो आखिर पेड़ को ही है। मैं उस घर में लौटी तो गीत पर मुसीबत होगी, और उस घर में ना लौटी तो मेरा परिवार मुसीबत में होगा। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा जमुना, सब। ये तुम कह रही हो? आर्या, आर्या मेरे साथ चलो, वहाँ माँ पापा है, बहन है, चलो हम सब मिलकर मस्ती करेंगे, चलो। तो रुक जाओ, पहले सिंदूर तो लगा लूं। ये देखो जमुना के सिंदूर की डिब्बी। आर्या, ये सिंदूर मैं लगाऊंगी। आर्या, आर्या ये पागलपन क्यों कर रही हो? तुम्हारे अपने आप ये सिंदूर लगा लेने से तुम किसी की पत्नी नहीं बन जाओगी। सिंदूर तो संगीत को भरना होगा, उसी के बाद तुम्हें उसकी पत्नी होने का दर्जा मिलेगा, समझी? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं ये सिंदूर लगा कर रहूंगी। अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा वेट करोगी? संगीत भाई को आ जाने दो, उनके आते ही तुम्हारी मांग में अपने हाथों से ये सिंदूर भर देंगे। ट्रस्ट मी। हाँ, तुम संगीत भाई से प्यार करती हो ना? हाँ, मैं संगीत से बहुत प्यार करती हूँ। बस फिर क्या, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई को वापस आने दो, ठीक है? ठीक है, मैं वेट करूंगी, मैं संगीत के लौटने का इंतजार करूंगी, देखते हैं वो कब मेरी मांग में सिंदूर भरेगा। लेकिन जब तक जमुना है, भैया तुम्हें सपने में भी सिंदूर नहीं लगाएंगे। तो फिर अब जमुना ही नहीं रहेगी। छोटे मालिक सुनिए, माँ। क्या? ये दुनिया कितनी आधुनिक हो गई है ना माँ, संसार एकदम से कैसे पलट गया है। पहले इंसान पैदल चलता था, उसके बाद आई बस, ट्रेन, आकाश में उड़ने वाला जहाज, सबके घर में टीवी आ गया, हर एक के घर में फोन, और फिर हाथों में मोबाइल फोन आ गया। इंसान से ज्यादा तो अब दुनिया में मशीन ही काम कर रही है। फिर भी क्या? फिर भी इंसान इंसान बिल्कुल नहीं बदला, इंसान तो इंसान बन ही नहीं पाया। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, हाँ माँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आप देखिए ना, जैसे बाघ का बच्चा बाघ होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी का बच्चा हाथी, ठीक वैसे ही देखिए, इंसान का बच्चा हुआ पर वो इंसान कब बनेगा ये कोई नहीं जानता माँ, कोई नहीं जानता। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? सुनिए छोटे मालिक, मैं ना बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, 100 आने सच कह रही हूँ। मेरे बाबा ढोल बजाते हैं तो वो एक ढोली है, ये उनका अपराध है। छोटे मालिक, आप भी तो कितने नए विचारों के हैं, कितने नए जमाने के हैं। आप खाना जिस मशीन में बनाते हैं उसी में खाना गर्म भी कर लेते हैं। आप जब सोने जाते हैं तो सर के ऊपर मशीन से ही तो पंखा घूमता है, रोशनी भी मशीन की मदद से मिलती है। सब कुछ तो इस दुनिया में कितना आधुनिक हो गया है, लेकिन अभी भी इस दुनिया में इतने ज्यादा भेदभाव है कि कौन ढोली की बेटी है, कौन रसोईये की बेटी है, कौन भिखारी है, कौन काम वाली की बेटी है। ऐसा क्यों है बताइए, बता सकते हैं? आज सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक ढोली की बेटी हूँ, इसलिए सब मुझे नफरत की नजर से देखते हैं। तुम्हें कोई भी नफरत की नजर से नहीं देखता, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, मेरे पापा माँ सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं। जमुना, मन भारी मत करो, और प्लीज तुम रो मत। अगर ऐसा है तो गीत के ससुराल के लोग, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जिस घर में एक ढोली की बेटी रहेगी उस घर में ना बेटी देंगे और ना ही उस घर से बेटी लेंगे, क्यों कहा? सब बदल जाएगा, तुम चिंता मत करो जमुना, एक ना एक दिन सभी अपने विचारों से भी आधुनिक हो जाएंगे, वो भी अपने मन से। सबको वक्त लगता है, एकदम से नहीं होता। है मेरे दिल की मैना, मैं हूँ तेरे दिल का तोता।
हाय कृष्णा, तेरे रहने खाने की जिम्मेदारी मेरी। तुझे किस चीज की कमी है बता, जरा बताना। मैं कपड़े की दुकान लगा दूंगा, कितने कपड़े चाहिए तू बताना बस। तेरा पूरा घर मैं खाने से भर दूंगा, तरह तरह के पकवान होंगे, जितना मन होगा उतना खाना। कृष्णा मेरी कृष्णा, कृष्णा जल्दी से मेरे घर आ जा। ओ मेरी प्यारी कृष्णा, जल्दी से मेरे घर को रोशन कर दे कृष्णा। भूषण चाचा। बक, अरे चाचा 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 क्यों कर रहा है तू तब से? चाचा तू मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, चाचा सुनते ही मेरा मन बुरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। चल चाचा सज धज के और ये अन वस्त्र की थाली भी ले जाकर कृष्णा के हाथ में दे दे। हेलो हेलो जमुना भाभी। गीत, कहाँ हो तुम? मैं और आपका सखा आज घूमने निकले हैं। अच्छा कहाँ? बस यहीं पर है कोलकाता में। पता है आज बुआ दादी आ गई, जो स्वागत किया है ना। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? क्या किया सुनोगी? अरे ये बुआ जी ना बड़ा जाप करते करते घर में घुसी थी, सोच रही थी कि घर की नई दुल्हन को आते ही मुट्ठी में कर लेंगी, और बस तभी तभी क्या? गीत गीत मुझे भी तो ना, मैं भी बात करूंगा। हेलो हेलो सखी। अरे पूछो ही मत आज क्या हुआ, तुम्हें पता चलेगा ना, हैरान हो जाओगी। पता है क्या हुआ? जब अरे वेद, ये कौन है? घर में कोई नई काम वाली आई है क्या? मैं जो भी खाती हूँ मेरी हर एक डाइट बहुत अच्छी तरह से बनाकर देनी होगी। अरे घबराओ नहीं, मैं एक डाइट चार्ट बना दूंगी। देखो सुबह सुबह मैं ओट्स खाती हूँ, ओट्स के बाद दलिया और फिर ग्रीन टी पीती हूँ जो कि बहुत जरूरी है, और अपने लिए मैं एक लेमन ड्रिंक बनाती हूँ जो मैं आपको सिखा दूंगी, घबराओ नहीं। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अरे मुझे भी सुना है, फोन को स्पीकर पे करो। ओ तो आप ही बुआ दादी हैं। हेलो अरे हेलो नहीं, हेलो बुआ जी, हेलो मतलब के हैंडशेक कीजिए। हैंडी शेक नहीं, हैंडशेक। अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाइए, कम ऑन बेबी। अच्छा गीत मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सपना मत करो ठीक है, वो बुजुर्ग इंसान है, ये ठीक बात नहीं है। सुनो जमुना भाभी, कितने भी बुजुर्ग इंसान हो पर समझाना तो उन्हें पड़ेगा ना कि मेरी जमुना भाभी बेस्ट है, और उनके घर की बहू गीत भी बेस्ट, फिर वो चाहे जीन्स पहने, सूट पहने, साड़ी पहने, कुछ भी, बस वो संस्कारी होनी चाहिए। और संस्कार ही तो सब कुछ है ना भाभी, तुम्हारे जैसी सर्वगुण संपन्न स्त्री का जो अपमान किया है उन्होंने, और शादी के मंडप पर उन्होंने मेरा भी अपमान किया है, तो उन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा ना जमुना भाभी। ऐसे ही अगर सब लोग समझना शुरू कर देंगे ना, तो देखना एक दिन ये पूरा समाज बदल जाएगा, और उस समाज में जमुना भाभी कोई किसी को ढोली की बेटी कहकर उससे नफरत नहीं करेगा, कोई उसका अपमान नहीं करेगा। जमुना भाभी मुझे पता है तुम इस वक्त रो रही हो ना। रोऊंगी नहीं क्या? देखो कि एक पति तो अपनी पत्नी से प्यार करता ही है, ये स्वाभाविक है, लेकिन मेरे जैसा नसीब किसका होगा बताओ जरा, कि मेरी ननद मुझसे इतना प्यार करती है। जमुना भाभी मैं भला तुम्हारी ननद कहाँ रही, मैं तो तुम्हारी बेटी बनती जा रही हूँ, और मैं सच बताऊं मैंने ना अपनी सगी माँ से भी उतना प्यार नहीं किया जितना मैं तुमसे करती हूँ।
जमुना भाभी, मुझे पता है तुम इस वक्त रो रही हो ना। रोऊंगी नहीं क्या? देखो गीत, एक पति तो अपनी पत्नी से प्यार करता ही है, ये स्वाभाविक है। लेकिन मेरे जैसा नसीब किसका होगा बताओ जरा। और मैं सच बताऊं, मैंने ना अपनी सगी माँ से भी उतना प्यार नहीं किया जितना मैं तुमसे करती हूँ। और ये देखो, ये जो मेरा भोलूराम पति है ना, इसकी आंखों में भी आंसू है। मेरी आंखों में आंसू देखकर ये भी रोने लगा, पागल कहीं का। जा सज धज कर और ये अन्न वस्त्र की थाली भी ले जाकर कृष्णा के हाथ में दे दे। क्या बोलेगा कृष्णा से? कि अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी। ए, 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 उसके खाने पीने की जिम्मेदारी तू क्यों उठाएगा तू उसकी जिम्मेदारी? हाँ, अरे तेरा तो अपना कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा आया बोलने वाला कृष्णा की जिम्मेदारी उठाएगा। काली। हाँ मलिक। अरे सुना तूने हमारा लड्डू सोना क्या कह रहा है? कृष्णा की जिम्मेदारी ये उठाएगा। अरे लेकिन अभी तो इसी को ये सब कहना पड़ेगा ना। फिर तो ठीक है। ए, तुम लोग सब सज धज कर जाओ, कृष्णा को लेकर आओ जाओ। आज रात होगी सुहाग रात। तुम मेरे घर आई हो, तुम मेरे घर आई हो, तुम ही मेरे घर, तुम ही मेरे घर आई हो। उसे अच्छे से सजा कर मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं उसे प्यार से एक पान खिला दूंगा। और गिलास का दूध मैं घुट 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 करके पी जाऊंगा। मेरी कृष्णा, मेरी कृष्णा, कृष्णा तू ही तो है मेरी मैना, मैं ही हूँ तेरा तोता। तू ही तो है मेरी मैना, मैं ही तो हूँ तेरा तोता। अरे तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो यहाँ? अरे बाबा उलूक दो, उलूक दो। मुझे देखकर तुम्हें डर लग रहा है? नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सबको पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, हाथ में पैसा मिलेगा और जाकर टिकट कटवा लेना बस का। चलो 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 चलो। अरे आओ तुम भी आओ। भैया आप नहीं जाएंगे? नहीं, मेरा जाना ठीक नहीं होगा, मैं दूर से ही देखूंगा कृष्णा के अन्वस्त्र की रस्म। और मैं कह रहा हूं उसको, आओ कृष्णा मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में जल्दी आ जाओ कृष्णा। टकटकी लगा कर बैठा हूँ मैं कृष्णा, टकटकी लगा कर। ओ जमुना। हाँ माँ। क्या तू तो अभी तक तैयार नहीं? मैं तो तैयार हूँ माँ। जमुना। हाँ पापा। बेटी देखो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर आप जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहा हूँ मतलब? क्या हो गया तुम्हें? मैं भूलता नहीं, कभी भी नहीं। अरे आज तो हमें कृष्णा के ससुराल जाना है ना, अन्न वस्त्र की रस्म में, उसके बाद रिसेप्शन है। सुना है बहुत ही धनी परिवार में उसकी शादी हुई है। हाँ और हो भी क्यों ना, आखिर वो बहन किसकी है ये भी तो देखने वाली बात है। जमुना मैं कहता हूँ तुम्हारी बहन बहुत सुखी रहेगी, तुम चिंता मत करना, वो बहुत सुखी रहेगी। चलो अब हम सब मिलकर चलते हैं। चलो पापा।
पापा मैं भी रेडी हूँ, आप लोग रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ जमुना जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ चलते हैं, लेकिन अभी तक माँ और दादी माँ नहीं पहुँची। अरे वो भी जाएंगी ना, हम सभी मिलकर बहुत मौज मस्ती करते हुए जाएंगे, उसके बाद रिसेप्शन अटेंड करते हुए हम लोग घर लौट जाएंगे। माफ करना पापा, पर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। गीत को किसी भी तरह से परेशानी हो ये मैं नहीं चाहती पापा। मैं नहीं चाहती कि गीत अपने पति का घर छोड़कर अपने पति के साथ अपने मायके में आकर रहे। पापा मैंने कभी घर तोड़ना नहीं सीखा है पापा, बस घरों को जोड़ना सीखा है। लेकिन तुम्हारी गृहस्थी तो संकट में है ना जमुना? माँ, दादी माँ, दादी माँ आइए आइए, आइए ना अंदर, आइए आइए, बैठिए बैठिए माँ आइए। इतना परेशान मत हो बेटी। आप कैसी हैं दादी माँ, कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ। बस बस बेटी, बस बस बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बस तुम कैसी हो जमुना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ दादी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह से बुढ़िया को फेंक के चली आई? और तुम्हारी सासू माँ, उसके बारे में नहीं सोचती हो? हर समय बस पापा पापा पापा। माना मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत कहिए माँ। क्या कह रही है, आप ही तो उसका सब कुछ है, हर वक्त आप ही की बातें करती है। आप जैसी सास तो हो ही नहीं सकती, ये तो खुद आपकी तरह ही बनना चाहती है। नहीं नहीं, वो खुद ही बहुत ज्यादा गुणी है, ये तो एक आदर्श रूप स्त्री है। खुद को क्या ऊपर उठाने की जरूरत है, खुद को क्या साबित करने की जरूरत है, ये बात जमुना सबको साबित करके दिखाएगी। वैसे संगीत की नजर को मानना पड़ेगा, जौहरी की नजरें हैं।